चीज दिखाता हूँ साइड साइड में से, बहुत तगड़ी चीज ये देख लो अपने जाट लोग 77 के मेडल्स। अगर भाई किसी को मेडल वेडल बनवाने हो तो कॉन्टेक्ट कर दियो भाई हमें, ठीक है भाई। हम अपने नाम की ब्रांड को, हम अपने ब्रांड की नाम की और वो बनवा दे मेडल, ठीक है वैसे नहीं भाई। तो भाई अपने जा रहे कृष्णानगर, कृष्णानगर में जाके मिलते हैं। गाड़ी तो मैं धो के आया, बुलेट मैंने साफ ना करी, बाकी कोई दिक्कत ना, सही लग रही है वैसे, चमक चांदनी सी और बाकी बुलेट भी हो रही। चले गए अपने त्यागी भाई जैसे दोस्त मिल जाओ, देख लो हाँ तेरी चौड़ा हो रहा खामू खा के यूरा भाई, अपने सोसाइटी में फंक्शन हो, बारिश आ गई, चले भाई जल्दी। लोग 77 ये छोटू भाई क्लासिक के मार्केट, चलो 3 2 1 गो। चल छोटू निकल गई, छोटू की निकल गई, रहेगा छोटू, रहेगा रहेगा रहेगा। और ये छोटू के पूरे दम लगते हुए छोटू नीचे लौटता हुआ और जाट व्लॉग ने मिला दिया धरती में, ये खत्म। तुम तो जानते हो अपने भाई को आर्यन त्यागी कैडी चीज भाई, जैसे कि तुम सभी को बताया जन्माष्टमी है और हर बार की तरह भाई हमारे पिताजी भी फिर से एक ऑर्गेनाइज करा रहे हैं टूर्नामेंट, वो तो वहां जाके पता चलेगी कि टूर्नामेंट है क्या है क्या नहीं भाई। बाकी बारिश धोखा दे रही है टाइम टू टाइम भाई, देख लो धूप निकल रही है, बारिश पड़ रही है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं, अपना कृष्णानगर चलते हैं और वहां जाके मिलते हैं भाई, हमारी भी शक्ल ये देख लो। तुम्हारा भाई आ चुका है फिलहाल यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो अपने भाई, हर बार की अलग प्रतियोगिता तो होती है, सबसे पहली बार हुई थी भाई यहाँ पे सेफ गेम, फिर उसके बाद हुई थी कबड्डी, और उसके बाद अब ये है, ये इसका लक्ष्य भेद कर गया शायद कुछ, या फिर रिंग वाला है। तो भाई यार रिंग अपने टीम वाले मेंबर को देनी होती है और गोल करना होता है कि ये वाले जो स्टिक है स्टिक के अंदर, और ये रहे अपने भाई साहब हाँ आपके कार्य क्या है, कार साथ में कार्य क्या है तुम्हारा, क्या भाग विद्यार्थी प्रमुख भाई, अपने आरएसएस के भाग विद्यार्थी प्रमुख है भाई साहब हमारे शिवम, शिवम त्यागी भाई, पेशे से अभी डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी तो ना कर रहे गाइड में पढ़ रहे हैं। की बार का कोई वो नहीं था कि अब की बार अच्छे से टूर्नामेंट कराना, क्योंकि जैसे पिछली बार था, पिछली बार कबड्डी का प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, बाकी अब की बार का सीन ये है ऐसे। और हमारे पिताजी वो बैठे, देखो वो बैठे भाई, वह लड़ाई होगी चल भाई, भाई यहाँ पर होगा अपना परिचय, ये देख लो उठ उठ के भागते हैं ऐसे ऐसे लोग भाई, कल से आया कर मत कर, तुम्हारा एडमिशन कटेगा ठीक है, प्रिंसिपल से शिकायत होगी तुम्हारी ठीक है, कल से मत आना यहाँ पे, दिख मत जाना गत्ता फैक्ट्री में।
यहाँ पे बैठे थे और मैंने तुम्हें बताया कि परीक्षा करवा रहे थे अपने शुभम जी, जो कि शाखा के नगर विद्यार्थी प्रमुख, शायद इन्होंने पहले कुछ ऐसे ही बताया था। तो यहाँ पे इन्होंने खड़ा करा प्रसाद जी को, और ये जो माइक है भाई, ये माइक चल नहीं रहा था। ये कुछ कारण था कि ये थोड़ी डिस्टेंस पर रखा था जो माइक का सिस्टम है। भाई यहाँ पे परीक्षा हुआ अपने पिताश्री का, अपना जो भाग दो है निवास आपका नंदग्राम में है, और भाई साहब का आज हमें उद्बोधन प्राप्त होगा। देव तुल्य और आत्मीय विद्यार्थी और तरुण स्वयंसेवकों, आज हमने एक शॉर्ट नोटिस पे, मतलब हमें बहुत थोड़े समय पे सूचना मिली थी कि एक कार्यक्रम है, आना है, और कार्यक्रम में सूचना भी कबड्डी मिली थी, यहाँ आके हमने रिंग खेला, है ना। तो मैं एक तो आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, उनका नहीं था, पिता के धन के माध्यम से किसी की सहायता करी। तो यहाँ पे हमें भाई साहब जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो कि भाई साहब जी ने बताया, एक कहानी सुनाई, कहानी के माध्यम से बच्चों से सवाल भी पूछे, आगे कहाँ पहुँच गए होते। लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिया है और जो हम उसको उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने सभी के सामर्थ्य अनुसार सभी को बराबर तरीके से दिया। माइक की कुछ गड़बड़ी होने के कारण कुछ आवाज़ ढंग से सुनाई नहीं आ रही थी, तो भाई साहब ने बोला था कि जो विजेता टीम है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो भाई यू ही अपनी विजेता टीम, जिसमें भाई 8 से 9 लोग थे, जो मैंने तुम्हें बताया कि रिंग वाला गेम है, तो भाई हमारे अपोजिट तो खेल ही रहे, लेकिन भाई हमारे साथ चीटिंग हुई ही। अब तुम्हें पता ही, हारने के बाद तो सब नहीं कहवा चीटिंग हुई ही। तो अब भाई खिलाड़ी की मेहनत को देखते हुए पहले बच्चे बैठे सही पढ़े लिखे और सभी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी या छठी सातवीं आठ में पढ़ते होंगे, तो सब टेबल याद होंगे, जो बोले इन पहाड़ा पहाड़े याद है, कोई जगह याद है, 5 तक 10 तक 20 तक 30 तक ये बता दो, 1 1 कौन से पहाड़े से एक बार आता है। हाँ जी बच्चा आगे तो कौन बता सकता है कि मैं मेरे मामा किसी को नहीं पता। तो पहले वीडियो रोक लो अगर भाई किसी को पता हो तो कि 1 कौन से टेबल में आता है सिर्फ एक बार ही, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। नहीं क्या सही तो बराबर ना, हाँ जी क्या बराबर है, एक बार आता है, 8 2 16 समझे क्या रहते हैं, एक बार भारत माता की। तो आज भी किसान ने समझ गया था, और आज क्या 16 साल या 14 साल बाद जब कृष्ण जी आए अपनी माजी मम्मी के पास, यानी माता के पास, जानकी के पास, तो जानकी ने कहा कि हे कृष्ण, तुझे सो भगवान अवतार है, तो तेने 14 वर्ष की लगा दिया आने में। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, किसी ने कहा माता, याद करें किसी जमाने की बात, तू किसी ने कह गई थी तो तेने मुझे मेरी माँ से 14 साल दूर रखा था, मुझे सोना मेरी माँ थी तो वो 14 साल अपने वो 14 साल मैं पूरी करता हूँ। भारत माता की। तो भाई आज के लोग करते हैं यही पेंड, जन्माष्टमी वाला व्लॉग 2 पार्ट में गया है, एक पार्ट में था भाई अपने घर परिवार का, मतलब ऐसे ही कि लड्डू गोपाल जी का, जो कि तुमने देख लिया होगा, एक है भाई दूसरा अपना कंपटीशन वाला, जो कि लक्ष्य भेद या फिर रिंग वाला कंपटीशन है। तो जैसे भी हो, तुमने पहले वाला व्लॉग देख लिया तो सेकंड वाला व्लॉग भी जरूर देखो, मतलब कि ये वाला, और अब जो भी व्लॉग है डेली आया करेंगे, जो भी दिन में मैं करा करूँगा या फिर जो भी होएगा मैं तुम्हें सब दिखा दिया करूँगा। तो होप करता हूँ आपसी भाइयों या बहनों को व्लॉग बहुत अच्छा होएगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, रात वाली राम राम।